Yes. Good morning, students. Today we are going to discuss the class 10th chapter 1, electricity. Electricity. But before we going to start the chapter, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम के अनुकूल हम फिर से उसको उसका सॉल्यूशंस करके वीडियो बना करके आप लोग के समक्ष फिर से डाल सके। तो आप लोग जितने भी हम चैप्टर्स अभी तक डिस्कस किए हैं उसका आप लोग लाइक्स भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर उससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत कुछ क्लास रिकॉर्डिंग करने में बहुत समस्या उत्पन्न होता है, इसलिए हम प्रिसाइज वे में बहुत संक्षिप्त वे में वीडियो को डाल रहे हैं। आप लोग इसको घर पे सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे और किसी भी तरह का समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे। तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है। और रिसेंटली अभी वर्तमान समय में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के लाइफ में, रोजमर्रा के जिंदगी में बिजली के बिना हम लोग का जीना असंभव हो गया हुआ। हर एक क्षेत्र में देखिएगा, हम लोग की जिंदगी से लेकर के किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में इसका बड़ी ब्रॉड यूज हो गया हुआ है। और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ कैन नॉट सर्वाइव मोर, अब ये देखा जाने लगा है। तो बहुत हम समय नहीं लेते हुए डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ये चार्जेस उत्पन्न कैसे होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ये चार्जेस जो उत्पन्न होते हैं बाय द रबिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सबस्टांसेस, जब सबस्टांस को ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वहां से चार्ज उत्पन्न होते हैं। और चार्जेस के बारे में देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। तो ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। और इस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है चार्जेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये दो प्रकार के जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग समीप लाएंगे, करीब में लाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, या फिर निगेटिव और निगेटिव चार्ज को हम लोग लाएंगे एक दूसरे के करीब तो ये रिपेल करेगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट क्या होता है, वैसे ही सॉरी यहाँ पे निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज लेंगे तो ये रिपेल करेगा। लेकिन इस दोनों के सापेक्ष हम लोग क्या देखते हैं कि जब पॉजिटिव निगेटिव के पास लाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव के पास लाते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चीज हम लोग देखें, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि चार्जेस का हम लोग देखते हैं कि चार्ज, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट चार्ज का जो है वो है क्या। यहां पे हम लोग देखेंगे कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कूलम्ब बोलते हैं। और चार्ज को हम लोग कूलम्ब के पैमाने पर ही मापते हैं। यस, अब देखेंगे कि ये कूलम्ब, वन कूलम्ब होता क्या है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है क्या कि वन कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी वन कूलम्ब क्या है, तो वन कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन कूलम्ब वह क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जब कोई भी दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस में, जैसे सपोज कि कोई एक चार्ज ए यहां रखे, कोई एक चार्ज बी यहां पे रखे, और दोनों चार्ज के जब बीच डिस्टेंस 1 मीटर का होगा तो ये इसके ऊपर में क्या होगा, 9×10⁹ फोर्स जब एग्जर्ट करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वन कूलम्ब बोलते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हरेक एक मैटर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो एन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस 1.6×10⁻¹ कूलम्ब, सिमिलरली प्रोटॉन पोसेसेस 1.6×10⁻¹ कूलम्ब। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो कूलम्ब जो है वो बहुत 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 मच बिगर है किससे, किससे, द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्जेस है इससे वन कूलम्ब जो है वो काफी बड़ा होता है।
ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो कंडक्टर क्या होता है ये जान रहे हैं, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है कि द मटेरियल विच पोसेसेस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर, बट दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोग देखें, कंडक्टर जो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है जबकि इंसुलेटर किसी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, आप जान चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो अस्थायित्व होता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कभी कभी आप देखेंगे बेंच पे जब नी को ऐसे डालेंगे तो देखेंगे हल्का सा करंट जो है वो बॉडी से पास करता हुआ दिखेगा। दूसरा आप देखते हैं कि ताला के ऊपर जो लॉक के ऊपर जो कैप रहता है, तो जब हम लोग उसको की से खोलते हैं उस दरमियान वो रोटेट करता है, तो जब लंबे समय तक इसको हम लोग इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शंस क्रिएट होता है, फ्रिक्शंस के चलते चार्ज जनरेट किया और वो चार्ज जो है वो स्टोर्ड होते जाता है, जो कि स्टैटिक कहीं पे जाकर के स्टोर्ड हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट पे जाकर के स्टोर्ड होता है। जब लंबे समय तक ये स्टोर्ड होता है तो जब बहुत ज्यादा करंट ओवरलोड हो जाएगा तो ये एक बार फ्लो करता है, जिसके कारण हम लोग जर्क महसूस करते हैं, एक शॉक हल्का सा लगता है, तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देता है, तो जैसे ही मूवमेंट करना शुरू करेगा तो ये करंट कहलाने लगता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे आप करंट के बारे में जानते हैं कि विंड करंट होता है, हवा का करंट, वाटर करंट, यानी जब वाटर मूव करता है तो उसका करंट होता है, वैसे ही जब चार्जेस का मूवमेंट होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इस चीज को हम लोग देख लिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे। यस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं, अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी, किसी पोजीशन से किसी खास पॉइंट पे मूव कराने में जो इफोर्ट लगता है, दैट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर वी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि one volt equal to one joule of work is done in moving unit positive charge। एक जूल जब वर्क डन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, one volt बोलेंगे। अब जब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग जान लिए, तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप देखेंगे कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको सिंपल आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घरों में क्या होता है कि छत के ऊपर में टैंकी रखते हैं, छत के ऊपर में टैंक हम लोग सेट करते हैं, इससे क्या होता है, इससे नीचे, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, नल सेट करते हैं, टैप सेट करते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, यानी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसीलिए डेफिनेशन है यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, The difference in electric potential between two points is known as electric potential, and इसीलिए potential difference को हम लोग लिखते हैं potential difference equal to work done by quantity of charge move। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे potential difference को, potential difference यानी V, जिसको हम लोग V से represent करते हैं, तो V equal to W by C, where V equal to potential difference, है ना, and W equal to work done, and C equal to quantity of charge move, C equal to quantity of charge move, and इसको जब हम लोग define करेंगे one volt, तो one volt equal to क्या हो जाएगा, one volt equal to one joule of work is done in moving one coulomb of charge, यानी one V equal to one joule by one coulomb, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एंड इसका जो लेटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से वोल्ट से मेजर करते हैं,
है ना, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर यहाँ पे जो भी लिखे हैं उस भी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ये डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। कैसे इसको कनेक्शन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे क्योंकि ये हाई रेसिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेसिस्टेंस के चलते इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हम लोग रन करा रहे हैं उसको किसी तरह से कोई भी परेशानी ना हो। अब इसके बाद आगे जो है हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिक करेंट, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, यानी इसको हम लोग क्यू बाई टी भी इसको लिखेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग लिखते हैं, जहां पे क्यू जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ क्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव इन यूनिट टाइम। टाइम को हम लोग यूनिट टाइम बोलेंगे, किसी खास समय में जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव करेगा वही उसका करंट कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज उतना ज्यादा मूव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज उतना कम मूव करेगा। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चार मंजिला इमारत लेते हैं, कोई मकान अगर चार मंजिल पे बना हुआ है, चार मंजिल का अगर मकान जैसे मान लेते हैं, एक मंजिल दो तीन और ये चार मंजिल बना हुआ है मकान, और इसके ऊपर में अगर पानी का टैंकी लगा हुआ है तो इससे कनेक्शन नल का लगा हुआ है, चारों फ्लोर पे नल लगा हुआ है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि फर्स्ट फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर पे, फ्लोर वन पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोर वन पे मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पानी का बहाव ज्यादा तेज गति से पानी मूव करेगा, पानी का फ्लो होगा। जब सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं तो पानी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर थर्ड फ्लोर पे चलते हैं तो उससे भी कम हो जाएगा, फोर्थ फ्लोर पे सबसे कम हो जाएगा। यानी डिफरेंस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट कम होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वन एम्पियर इक्वल टू क्या कहलाएगा, वन कूलम्ब ऑफ चार्ज मूव इन वन सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड से यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको वन एम्पियर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन कूलम्ब एस माइनस वन, यानी वन कूलम्ब अपॉन वन सेकेंड से इसको हम लोग निकालते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आम मीटर से मेजर करते हैं। यानी आपके घर में कितना विद्युत, कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम लोग एम्पियर मीटर को ही आम मीटर बोलते हैं और इससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। अब देखेंगे यहां पे कि ये जो है, ये आम मीटर जो है वो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपने घर के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि ये जो है वो लो रेसिस्टेंस डिवाइस है, इसको लगाने से रेसिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा हमारे घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, करंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उसके बाद में, जिसके चलते इस एम्पियर मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यस, तो ये चीज देखिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगा हमारे सर्किट में। तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्किट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होना चाहिए वो क्लोज सर्किट होना चाहिए, और सर्किट के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट से किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, जबकि क्लोज सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्किट हम लोग लिए और इस सर्किट में कोई अप्लायंसेस यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं,
तो सर्किट में करंट का मूवमेंट कैसे होगा इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो करंट का मूवमेंट कैसे होगा आप समझेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल से मूव करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से होता है, तो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होता है, और इसी पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं इसको कन्वेंशनल करंट। इसके बाद हम लोग सर्किट के बारे में देख लिए, अब इस चैप्टर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सिंबल्स को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 2, 4, 5, 8, 10 हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस पे ड्रॉ कर देते हैं और उसको एक बार हम आपको बता देंगे। यस, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे, यानी ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना काफी मुश्किल होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ सिंबल्स यहाँ बोर्ड पे बना दिए हुए हैं, देखेंगे ये सेल का सिंबल से, सेल जो है वो सिंगल सेल यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा निगेटिव टर्मिनल, देखेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो लॉन्ग टर्मिनल होता है और निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो थिक होता है और शॉर्ट होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो वो लॉन्ग होता है नैरो होता है। तो इस तरह से एक सेल का सिंबल देखिए, जब यही बहुत सारा सेल कंबाइन करता है तो बना देता है बैटरी। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हम जो बनाए हैं ये कितना 1, 2, 3, 4 ये 4 सेल का बैटरी बना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दूसरा हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं ये वायर कहलाता है, जब इस वायर के साथ इस तरीके का जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए हैं ये कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रॉसिंग वायर, यानी जब वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है बिना कनेक्ट किए हुए बिना टच किए हुए तो उसका सिंबल ये है। उसके बाद एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का ये सिंबल है। उसके बाद नीचे जो देखेंगे वो है रोस्टेड, इसी रोस्टेड को हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं जिसका ये सिंबल है। ये 2 सिंबल यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एमीटर एम्पियर मीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर जिसको बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच ये ऑन पोजीशन का स्विच है, इसका 2 यहाँ पे हम बनाए हैं और करके एक ये भी सिंबल है एक ये भी सिंबल है, स्विच ऑफ पोजीशन का एक ये है और दूसरा ये है, वैसे ही एक बल्ब का सिंबल एक ये है दूसरा ये है, और नीचे में एक फ्यूज का बना दिए हैं। यानी देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंबल्स है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखेंगे कि इसके सिंबल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आने के संभावना होते हैं। तो इस तरीके से इतना सारा चीज जान लिए, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम्स का लॉ पढ़ेंगे। तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जो है वो आज नहीं ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से ओम्स लॉ से लेकर के और चैप्टर के एंडिंग तक का एक और वीडियो बनाएंगे। और आप लोग प्लीज फिर से बता दे रहे हैं कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे बुक के माध्यम से या फिर कहीं से भी आप पढ़ेंगे, अभी तो हो सकता है बुक आपके पास नहीं हो लेकिन अगर होगा या फिर नेट वगैरह से सर्च करके देखिएगा, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज कुछ दिए हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उसका हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करके हम आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।